तो भाइयों आज हमारे पास मारुति सुजुकी नेक्सा फ्रॉन्क्स का टॉप मॉडल यानी कि अल्फा मॉडल। तो इस वीडियो में बात करें कार के प्राइस के बारे में, कार के लुक्स के बारे में, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर के बारे में, इंजन स्पेसिफिकेशंस एंड क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं इस कार के अंदर, इन सभी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेता हूँ इस कार के प्राइस के बारे में। तो कंपनी ने इस कार के प्राइस रखे हैं 7.46 लाख रुपीज एक्स शोरूम प्राइस स्टार्टिंग प्राइस रहने वाले हैं एंड 13.13 लाख रुपीज शोरूम प्राइस इसके टॉप मॉडल के जाते हैं। एंड इस पर्टिकुलर मॉडल के प्राइस हैं 11.63 लाख रुपीज एक्स शोरूम प्राइस एंड 13.50 लाख रुपीज के समथिंग इसका ऑन रोड प्राइस पड़ जाएगा। बाकी अभी बात कर लेता हूं कार के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो ये कार हमें टर्बो इंजन के साथ अवेलेबल देखने को मिल जाएगी, बट अगर आपको नॉर्मल वाला इंजन चाहिए तो आपको लोअर मॉडल पर स्विच होना होगा, क्योंकि टॉप मॉडल के अंदर हमें टर्बो इंजन के साथ अवेलेबल देखने को मिलती है, जो कि एक अच्छी बात भी है। तो ये मॉडल आप देख रहे हैं मारुति फ्रॉन्क्स का अल्फा मॉडल, इसके अंदर हमें 1 लीटर का बूस्टर जेट टर्बोचार पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि पावर जनरेट करता है 99 bhp की एंड 147 nm ऑफ टॉर्क एंड ये ऑटोमेटिक एंड मैनुअल दोनों ही ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ अवेलेबल देखने को मिल जाएगी। एंड बात करूं माइलेज के बारे में, तो ये इंजन माइलेज प्रोड्यूस करता है 21 के समथिंग इसका माइलेज निकाल कर देती है कंपनी क्लेम जैसा करती है। बाकी ऑन रोड आते आते ये आराम से 19 से 20 का माइलेज आराम से दे देती है एंड अच्छी खासी पावर मिल जाती है एंड माइलेज भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो ये कार आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। बाकी गाइस अभी बात कर लेते हैं कार के ओवरऑल लुक्स के बारे में, एक्सटीरियर लुक के बारे में बात करेंगे। तो फ्रंट से देखने में कार कुछ टाइप की लगने वाली है। फ्रंट की साइड सबसे पहले आते ही आपको LED में DRLs मिल जाते हैं, जो कि मल्टी फंक्शनल है, इंडिकेटर्स का भी यही काम करते हैं एंड रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प मिल जाते हैं विद ट्राई एरो कट के साथ एंड कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ भी। बाकी ये बीच की साइड पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग के साथ फ्रंट ग्रिल मिल जाती है एंड क्रोम गार्निशिंग का भी यहाँ पर प्रॉपर यूज किया गया है। बाकी बोनट का डिजाइन कुछ इस टाइप का है, काफी अलग है एंड यहाँ पर वाइपर भी आपको सिंपल वाले ही मिलते हैं, वाइपर, वॉशर एंड डिफॉगर जैसे। एंड ओवरऑल फ्रंट लुक कार के कुछ टाइप के आने वाले हैं। नीचे की साइड आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट भी मिल जाती है। कार के ओवरऑल साइड लुक के बारे में बात करूँ तो साइड से देखने में कार काफी अच्छी है एंड साइड की तरफ आपको बड़ी बड़ी ब्लैक कलर की क्लैडिंग देखने को मिल जाती है मैट ब्लैक कलर की फिनिशिंग के साथ। एंड यहाँ पर टायर आपको गुडियर्स के देखने को मिलते हैं विद R16 इंच के प्रिसीजन कट अलॉय व्हील के साथ ही एंड क्लैडिंग्स आपको एक्सेसरीज के साथ अलग वाले डिजाइन के साथ भी देखने को मिल जाती है। एंड ORM पर हमें इंडिकेटर एंड कैमरा की प्लेसिंग मिल जाती है। जी हाँ, इसके अंदर हमें 360 डिग्री कैमरा भी मिल जाता है और BC पिलर हमें ब्लैक आउट देखने को मिलेंगे एंड ऊपर की साइड हमें सिल्वर कलर के रूफ रेल्स मिल जाते हैं। डोर हैंडल्स हमें बॉडी कलर में देखने को मिलेंगे विद रिक्वेस्ट सेंसर के साथ ही। बाकी साइड की तरफ भी आपको क्रोम लाइनिंग, क्रोम गार्निशिंग देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल कार के साइड लुक कुछ टाइप के हैं। रियर लुक के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहां पर आपको LED टेल लैंप मिल जाते हैं विद कनेक्टेड टेल लैंप के साथ ही एंड ये कम्प्लीटली फंक्शनिंग में है। ऊपर की साइड में वाइपर, वॉशर एंड डिफॉगर प्रॉपर दिए गए हैं। ऊपर की साइड आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाते हैं एंड स्पॉइलर भी मिल जाता है यहाँ पर। एंड नीचे की साइड आपको फ्रॉन्क्स की बैजिंग एंड 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, स्किड प्लेट मिल जाती है सिल्वर कलर की। एंड ओवरऑल बैक लुक इस टाइप के हैं एंड ऊपर की साइड आपको शार्फिन एंटीना भी मिल जाता है। पीछे से कार का डिजाइन कूपे कार वाला डिजाइन रखा गया है, जो कि दिखने में डिसेंट लगता है। एंड अभी बात कर लेता हूँ कार के इंटीरियर के बारे में। तो इंटीरियर की साइड आते ही सबसे पहले इसके डोर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट टचिंग मटेरियल का यूज होते देखने को मिल जाएगा। ऑल 4 पावर विंडो मिल जाती है, लॉक अनलॉक के फंक्शन भी यहीं पर ही देखने को मिल जाते हैं। ORM ऑटो फोल्डिंग के ऑप्शन के साथ एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM भी मिल जाते हैं। बॉटल होल्डर एंड मैगजीन होल्डर प्रॉपर दिए गए हैं। स्पीकर की प्लेसिंग भी यहाँ पर प्रॉपर दी गई है। बाकी यहाँ पर भी काफी सारे फंक्शन मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है, आइडल स्टार्ट स्टॉप एंड 360 डिग्री कैमरा व्यू एंड ये हेडसअप डिस्प्ले के लिए है एंड इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिल जाता है। तो मेनली बात कर लेते हैं कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको एनालॉग प्लस डिजिटल में देखने को मिलता है। टैकोमीटर आपको एनालॉग में देखने को मिल जाता है। इंजन टेम्परेचर गेज एंड स्पीडोमीटर भी हमको एनालॉग में ही देखने को मिलता है। बीच की साइड आपको जो MID मिलती है, इसके अंदर आपको डिसेंट इनफ इन्फॉर्मेशन शो हो जाती है एंड बीच वाली MID को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं एंड इसके थ्रू आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएंगी, मतलब सभी इन्फॉर्मेशन, वार्निंग्स वगैरह सभी कुछ यहाँ पर शो हो जाता है। कार ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा की सराउंडिंग दिखा देगा, जिससे कि आपको इजीली पता चल जाएगा कि अराउंड आपके कार कोई खड़ी तो नहीं है। पार्किंग के लिए इजीली हेल्प करता है काफी ज्यादा। बाकी AC वेंट वगैरह दिए गए हैं, क्रोम गार्निशिंग यहाँ पर भी दी गई है छोटी सी। बाकी यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पर छोटी सी MID भी दी गई, जिसके ऊपर आपको AC की इन्फॉर्मेशन शो कर देगा। बाकी राउंड शेप में स्टीयरिंग व्हील है एंड यहाँ पर आपको वाइपर कंट्रोल एंड यहाँ पर आपको हेडलैम्प के कंट्रोल मिल जाते हैं।
एंड यहाँ पर आपको स्टीयरिंग व्हील माउंटेड सभी कंट्रोल मिल जाते हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन के बटन मिल जाते हैं, एंड दूसरी साइड हमें क्रूज कंट्रोल के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, यहीं से ये आप लगा सकते हैं। एंड इधर की साइड आपको, नीचे की साइड आपको मिलते हैं कॉल, कट एंड रिसीव के बटन भी यहीं पर ही हैं। बाकी स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन देखिएगा, डी शेप में काइंड ऑफ देखने को मिलता है पियानो ब्लैक की फिनिशिंग के साथ ही। ऊपर की साइड ये HUD दी गई है, हेड्स अप डिस्प्ले। बाकी यहाँ पर आपको मिलती है 9 इंच की फुल्ली टच स्क्रीन डिस्प्ले, एंड ये आपको एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ ही देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। एंड इस कार के अंदर हमें मिलते हैं 6 स्पीकर का सेटअप, जिसके साउंड क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया है। बाकी नीचे की साइड आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तो मिल ही जाता है, इसे ये कंट्रोल काफी ज्यादा प्रीमियम से ही दिए गए हैं। एंड इधर की साइड आपको मिलता है एक पैड, जो कि वायरलेस चार्जिंग पैड है, इसके ऊपर आप बढ़िया फोन रख के अपना चार्ज कर सकते हैं। एंड ये फीचर हमें बलिनो में नहीं मिलता है। एंड ऊपर की साइड आपको पावर सॉकेट मिल जाते हैं, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है। एंड इधर की साइड आपको USB केबल कनेक्टिविटी के फीचर देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर ये ट्विन कप होल्डर्स मिल जाते हैं, इसके अंदर आप की वगैरह रख सकते हैं। चाबी कुछ इस टाइप की है, ग्रैंड विटारा वाली। एंड ये मॉडल है 5 स्पीड गियरबॉक्स का मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ वाला, जिसके अंदर हमें AGS वाला सिस्टम नहीं है, ये प्रॉपर क्लच दिया गया है एंड डेड पेडल भी यहाँ पर दिया गया है। बाकी ऑटोमेटिक के साथ भी अवेलेबल मिल जाती है। एंड ये कार स्टोरेज के मामले में बढ़िया है, यहाँ पर आपको ग्लोव बॉक्स के अंदर लैंप भी मिल जाता है। एंड ओवरऑल डैशबोर्ड लेआउट कुछ इस टाइप का रहने वाला है, काफी ज्यादा प्रीमियम सा सिल्वर की फिनिशिंग के साथ ही। हेलोजन में कैबिन लैंप मिल जाते हैं दोनों ही, एंड पैसेंजर साइड के फ्रंट शेड के ऊपर हमें मिरर मिल जाते हैं। एंड ये दोनों लैंप को ओपन करके इसके अंदर भी हमें लैंप मिल जाता है प्रॉपर, जो कि अच्छी बात है। एंड यहाँ पर पैसेंजर साइड, ड्राइवर साइड भी यहाँ पर आपको लैंप के साथ मिरर मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। एंड IRV हमें ऑटो डिमिनिशिंग मोड के साथ ही देखने को मिलेगा। बाकी ओवरऑल किस टाइप का है इसका डैशबोर्ड लेआउट, एंड आर्मरेस्ट, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट भी मिल जाती है इसके अंदर, जिसके अंदर छोटा सा स्पेस मिल जाता है कूड में ही। एंड ये स्लाइडिंग आर्मरेस्ट है, सॉफ्ट टचिंग मटेरियल का यहाँ पर यूज किया गया है। फैब्रिक सीट्स अपहॉल्स्ट्रोफी देखने को मिलती है, जिनकी क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया है। एंड ड्राइवर सीट हमें हाइट एडजस्टेबल मोड के साथ ही देखने को मिलेगी। रेयर पैसेंजर साइड देखेंगे तो रेयर की साइड भी हमें जो सॉफ्ट टचिंग मटेरियल का यूज होते हैं देखने को मिल जाएगा, हार्ड प्लास्टिक भी यहाँ पर दिया गया है। एंड सीट की क्वालिटी यहाँ पर भी हमें फैब्रिक में ही देखने को मिलती है। बाकी अंदर बैठ के बात करते हैं तो अंदर की साइड हमें आर्मरेस्ट वगैरह यहाँ पर नहीं दी गई है, हेडरेस्ट मिल जाती है प्रॉपर 60-40 स्प्लिट के साथ देखने को मिल जाती है सीट्स। एंड AC वेंट मिल जाते हैं प्रॉपर यहाँ पर, चार्जिंग सॉकेट भी दिए गए हैं प्रॉपर यहाँ पर, जो कि दोनों ही टाइप सी में ही देखने को मिलते हैं। एंड छोटा सा स्टोरेज बॉक्स भी दिया गया है यहाँ पर। बाकी ओवरऑल स्पेस के बारे में बात करूँ तो स्पेस यहाँ पर अच्छा खासा बच रहा है, आगे वाली सीट मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट की हुई है, उसके बाद भी यहाँ पर लेग रूम देखिए कितना सारा बच रहा है। और ऊपर की साइड ये लैंप मिल जाता है हेलोजन में ही। बाकी हेडरूम काफी अच्छा बच रहा है, एंड अंडर थाई सपोर्ट भी डिसेंट इनफ मिल जाता है। बाकी गाइस मैं ये भी बात कर लेता हूँ कार की ओवरऑल सेफ्टी के बारे में, तो सेफ्टी अभी इस कार की टेस्टिंग नहीं हुई ग्लोबल एनकैप टेस्ट में या फिर भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में इसकी टेस्टिंग नहीं हुई है, बट दिखने में तो ये कार काफी ज्यादा सॉलिड लगती है। एंड डिसेंट इनफ इस कार के अंदर में फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि 6 एयरबैग, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल रोल असिस्ट एंड हिल डिसेंट कंट्रोल एंड रोल ओवर मिटिगेशन एंड ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम एंड ब्रेक असिस्ट जैसे काफी सारे फीचर्स तो मिलते ही हैं। बाकी गाइस अगर आप भी कोई कार देख रहे हैं 11-12 लाख के बजट में, तो ये कार आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। एंड बात करूं बलिनो के कंपैरिजन में, तो बलिनो की तो ये सेल खा गई है, क्योंकि इसी प्राइस रेंज पर अवेलेबल देखने को मिल जाती है। थोड़े कम फीचर मिलते हैं मॉडल के अकॉर्डिंग, थोड़े कम फीचर मिलते हैं, बट ये कार डिसेंट इनफ फीचर के साथ आती है। एंड ये कार प्रूव करती है कि कार बड़ी होनी चाहिए, तभी इंडियन मार्केट में अच्छा परफॉर्म करेगी। यहाँ पर इंडियन लोगों के हिसाब से साइज मैटर करता है। बाकी गाइस आपका क्या कहना है इस कार के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो किसी भी कार से रिलेटेड या इस कार से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी गाइस ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, तो मेक श्योर आप चैनल से कनेक्टेड रहेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।